आयतुल्ला सिस्तानी। आयतुल्ला सिस्तानी की भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएं, सवालों जवाब के सेक्शन में जाएं, तो बाकायदा उनसे सवाल पूछा है कि तशहुद में शहादत सालिसा यानी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलिया वलीउल्लाह व औलादिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म है। जवाब, एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज में पढ़ना जायज नहीं है, जायज ही नहीं। अच्छा, फिर एक तशहुद फिस सलात, उसमें भी जो इस्तफ्तात है उनसे पूछा है, कोशिश अगर काफी अरसे तक इस तरह से पढ़ता रहे नमाजें कि जिसमें उसने इस अंदाज से तशहुद पढ़ा हो और उसमें शहादत सालिसा पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर जहले उसूरी है, कासिर और मुकसिर दो किस्म के जाहिल होते हैं, एक होता है जिसके जहालत में अपना कसूर होता है, तुम शहरों में रहते हो, तुम्हें सब चीजें पता चल सकती हैं, आलिम से पूछ सकते हो, फिर भी तुम जाहिल रहे, इसको जाहिल मुकसिर कहते हैं। इस फरमाते हैं अगर जाहिल मुकसिर है तो एहतियात वाजिब की बिना पर तमाम उन नमाजों की कजा करनी जरूरी है जिसमें शहादत सालिसा पढ़ी, और अगर जाहिल कासिर है, बेचारे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, वहां कोई कायल पेश इमाम था मसलन, उसने कहा कि तुम ना इसमें इस तरह से पढ़ा करो, बचपन से वही सुनता आया, वही उसका एतिकाद बन गया, और वो इस तरह से यानी जहालत में उसका कसूर नहीं, कोई टीचर पढ़ाने आने लगा, वो इसका कायल था, उसने बचपन से यही नमाज उसको सिखा दी, तो अब ऐसे अफराद के लिए कहा कि इनको नमाजों की कजा की जरूरत नहीं। लेकिन आम तौर पर जो जाहिल मुकसिर होते हैं उन सबको एहतियात वाजिब उन तमाम नमाजों की कजा करना पड़ेगी जो उसने शहादत सालिसा के साथ पढ़ी। और यहां तक कि आगा सिस्तानी ने इसका भी फतवा दिया कि अगर कोई पेश इमाम ऐसा है कि जो शहादत सालिसा पढ़ता है तशहुद में, तीसरी गवाही इजाफी तौर पर देता है, तो फरमाते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर ऐसे पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़नी भी जायज नहीं, नमाज पढ़नी ही जायज नहीं, यानी शुरू ही से नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे अफराद कहते हैं कि जिस वक्त वो शहादत सालिसा पढ़ रहा होगा हम खामोश हो जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, इस सूरत में भी जायज नहीं, शुरू ही से उसकी इब्तदा जायज नहीं कि जो भी शहादत सालिसा पढ़ता हो।